हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीरो ऑफ तेजस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि वालों की, और बताने की कोशिश करूँगी ये जो आने वाला हफ्ता है ये कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या है यूनिवर्स जो आपको गाइड करना चाहती है और यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है आपको। ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करेगी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा आवाज़ जो है वो बिल्कुल दब सा गया है, बट मुझे रीडिंग तो देनी थी तो इसलिए सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह माय गॉड, ओके, आपके लिए कार्ड आया है। ओके टॉरस, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द लवर्स का। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हफ्ता आपके लिए आने वाला है वृषभ राशि वालों, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो। अगर आप इन्हें जानते हो तो आप फिर से इनके साथ रिकनेक्ट कर सकते हो। आपकी हीरो इनके साथ जो है इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, ये भी पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों के थॉट्स जो है मुझे मैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके साथ आपका बॉन्ड जो है सबसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। काफ़ी कुछ है जो आप दोनों एक साथ एक्सप्लोर करने वाले हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है, आप दोनों बाहर जा सकते हो घूमने के लिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपने बहुत टाइम से एक ऐसे लव को मैनिफेस्ट भी किया है। काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है जो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा था। आपको प्यार तो मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं आप ऐसे प्यार को मिस कर रहे थे जो आप बिना बोले आपको कोई समझे, या फिर आपके बिना कहीं कोई आपकी दिल की बात समझ ले। तो यस, मुझे एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है ना कि आपके काम में जो है कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ काम किए जा रहे हो, आपको इसका आउटकम नहीं मिल रहा, आप सिर्फ काम किए जा रहे हो, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताएगी कि आप कितने स्टेबल हो। आप ये रियलाइज़ कर पाओगे कि अब तक आपने जितनी मेहनत की उसमें आपने क्या क्या किया, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आप यहाँ कैसे पहुँचे। और आप कहीं ना कहीं यू नो अपने लाइफ में ना है अपने पैसे रुपए को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं पैसे रुपए को लेकर भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब चेंज करने का अगर आप सोच रहे थे, तो आप कुछ लोगों के लिए मुझे एक स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी भी आते हुए नज़र आ रही है। जो सुनने में या दिखने में तो लगेगी कि काफ़ी यू नो इसका ग्रोथ काफ़ी स्लो हो सकता है या फिर इसकी शुरुआत काफ़ी यू नो धीमी हो सकती है, बट ये बहुत स्टेबल एनर्जी है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्क लाइफ में अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट जो है काफ़ी स्लो होगा, बट अगर आप पेशेंसली इस पर रहते हो तो इसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई काम है जो काफ़ी धीरे चल रहा था आपकी लाइफ में, तो उसमें भी मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ इस काम में भी जो है कुछ नया एडिशन आप करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपका ये कोई बिजनेस है उसमें कोई आपको नया आइडिया मिल सकता है आपके पार्टनर के तरफ से, या फिर किसी ऐसे पर्सन के तरफ से जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझते हो, और फिर आपका काम जो है एक लेवल और आगे जाएगा। वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये मैनिफेस्ट करते हैं कि उनकी शादी उन्हीं के पसंद से हो, यानी कि आप जिनको पसंद करते हैं उनके साथ ही आपकी शादी हो, उनके साथ ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े, उनके साथ ही कहीं ना कहीं आप अपने ज़िंदगी का एक नेक्स्ट स्टेप लो। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको लेकर आपका ये काम तो होगा, सक्सेस तो होगी, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा डिले है इस चीज़ को लेकर, बट अभी हाई टाइम है आपकी लाइफ में कि आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा सोचें। अगर आपके फैमिली में आपको प्रेशर हो रहा है आपके मैरिज को लेकर, आपके यू नो कि आप बहुत टाइम हो गया है अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, या फिर शादी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 40% लोगों के लिए मैसेज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ही यू नो शादी करना चाहते हो, इनको लेकर आप घर पर बात कर सकते हो, और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की मंजूरी भी मिल सकती है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज का भी रिश्ता आ सकता है, जिसमें भी मुझे सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हो अपने जॉब को लेकर या फिर अपने बिजनेस को लेकर, बाहर जाना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, स्टेबिलिटी को लेकर अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, तो इस वीक में आपको पता चलेगा कि आप क्या और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। यू नो, जैसे मैंने इस कार्ड को देखकर भी आपको बोला था कि क्या और पॉसिबल वे है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्या और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, एक हेल्प भी आ रहा है फ्रेंड्स। कोई दोस्त हो सकता है आपका, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है आपका, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए एज अ गाइड आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस का जो स्टेट है वो भी लाने वाला है। मुझे इस कार्ड से ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है वृषभ राशि वालों की, इम्पेशेंट ना हो जाए, यानी कि हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि आपको आंसर नहीं मिल रहे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, और जब वो वक्त आएगा आपको डेफिनेटली वो आंसर्स भी मिलेंगे जो आप कहीं ना कहीं लंबे समय से ढूंढ रहे हो। तो इम्पेशेंस ना हो जाए, ओके, इम्पेशेंट ना हो जाए। यस, मैंने बोला था, देखिए आई टोल्ड यू कि काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी शादी आप जिनको सोच रहे हो उनके साथ हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें सक्सेस हो सकता है, आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, उसमें भी सक्सेस है। तो देखिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है विक्ट्री का, और ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि यस, आप आगे बढ़िए, ये सक्सेस है आपके लिए। चाहे आपको आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना चाहिए हो, चाहे आपको कुछ नया क्यों ना स्टार्ट करना हो, या फिर अगर आपको क्यों ना बाहर जाना हो, हर चीज़ में सक्सेस है, बस आपको पेशेंसली काम लेने की ज़रूरत है। ऑलराइट, लेट्स सी। वाओ, ये टॉरस का अपना ही कार्ड है हेरो फ्रेंड, डिवाइन का ब्लेसिंग है फ्रेंड। मेजर अरकाना का कार्ड आया है और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही है, डिवाइन आपको ये कहना चाहती है। यहाँ पे एंजल नंबर 66 भी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं यस, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि यस, आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पार्टनर को वो आ रहे हैं, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की उनके साथ मैरिज तय हो सकती है, उनके साथ आप रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो, बाहर जाना चाहते हो उसमें भी मुझे सक्सेस नज़र आ रहा है, और कुछ नया अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो उसमें भी सक्सेस है। वाओ, वी हैव सिक्स, सेकेंड वी हैव एंजल नंबर 666 हियर। तो यस, ये कनेक्शन जो है, ये जो आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपके पास से आए हैं, यानी कि पास्ट लाइफ से आ सकते हैं, अगर आप इनसे कभी नहीं मिले हो तो। और ये भी कहीं ना कहीं आपसे मिलने इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये डेस्टाइंड है, ये टाइम आप दोनों का डेस्टाइंड है एक दूसरे से मिलने का, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आप दोनों को इसलिए मिलाना चाहती है क्योंकि आप दोनों का मिलना तय है। और ये शादी भी अगर आप इस पर्सन से करते हो तो आप सक्सेस के जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना सब कुछ मुझे कैसे मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का स्टार आपके स्टार के साथ जुड़ने के बाद, यू नो, आप एक बहुत अच्छे स्टेट में जाने वाले हो फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत पावरफुल वीक है, चाहे ये आपके लव लाइफ में क्यों ना हो, आपके पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, और चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्यों ना हो, बहुत ही पावरफुल वीक है आपके लिए और काफ़ी सक्सेस जो है आपके लाइफ में आ रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो यूनिवर्स आपसे इतना ही कहना चाहती है कि हमेशा हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हो उतना ही आप ध्यान दीजिए, जितना आपसे नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप सरेंडर कर दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सोचेंगे वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो जितना आपसे हो सकता है उतना ही कीजिए, बाकी अगर आप चीज़ों को जाने देते हैं चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। और एंजल नंबर 666 जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अगर आपको ये नंबर दिखता है अपने फ़ोन पे की, मान लीजिए टाइम में 666 तो नहीं दिखता है, या फिर आपको दिखेगा मान लीजिए 606 दिख रहा है आपको, आपको कोई नंबर प्लेट दिख रहा है 666, कहीं पे ऐसे लेटर्स दिख रहे हैं 666, तो आप समझ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, वो आने वाली है। और बहुत पावरफुल वीक है आपके लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।